shit all together. दीपिका पादुकोण इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। खबरों के मारे तो दीपिका और रणवीर इसी साल नवंबर में शादी कर सकते हैं। इसके अलावा दीपिका एक और वजह से चर्चा में आ गई हैं। वो है उनकी फीस। जी हाँ, दीपिका की हालिया रिलीज फिल्म पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म साल 2018 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। हर किसी ने दीपिका के काम की तारीफ की थी। खबरों की माने तो दीपिका की सक्सेस उनके सिर पर चढ़ गई है। ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद दीपिका लगातार फिल्में छोड़ती जा रही हैं। दीपिका अब सिर्फ वही फिल्में करेंगी जिनमें उनको मन मुताबिक फीस दी जाएगी। दीपिका चाहती हैं कि उन्हें सलमान और शाहरुख के बराबर फीस दी जाए। दीपिका इस वक्त ए लिस्ट हीरोइन में शामिल है और उन्होंने अपनी फीस 3 गुना बढ़ा दी है। दीपिका अब सिर्फ पॉपुलर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ ही काम करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, दीपिका स्क्रिप्ट पर भी क्रिएटिव कंट्रोल चाहती हैं। इससे पहले कंगना रनौत भी स्क्रिप्ट पर क्रिएटिव कंट्रोल चाहती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार फ्लॉप फिल्में दी थी। वेल, दीपिका को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर होगा। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।